गाइस आप लोग लाइट रूम एप्लीकेशन के मदद से ब्लू कलर एडिटिंग किए होंगे, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के मदद से भी किए होंगे, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के मदद से ब्लू कलर एडिटिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल न्यू ट्रिक है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को। ओपन हो जाने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है और यहाँ से गाइस नॉर्मल फोटो को इनपुट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस ये है नॉर्मल फोटो एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ नॉर्मल फोटो को। गाइस इसको मैं ब्लू कलर एडिटिंग करूँगा, बहुत ही ईजी स्टेप है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ठीक है। सो गाइस ब्लू कलर में एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद गाइस यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। गाइस आप लोग अपने फोटो के मुताबिक से एक्सपोजर को हाई कर सकते हो एंड यहां पर कॉन्ट्रास्ट वगैरह मिल जाएगा एंड हाईलाइट को मैं थोड़ा सा माइनस की तरफ कर दूंगा, ठीक है। एंड करने के बाद गाइस शेडो को हाई कर दूंगा एंड हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से गाइस लास्ट में जाना है और एच एस एल वाले टूल्स के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। गाइस आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर देना है, ठीक है। अब गाइस येलो कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर देना है एंड ह्यू को राइट की तरफ कर देना है। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको माइनस की तरफ भी कर सकते हो, मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से गाइस आप लोगों को राइट क्लिक कर देना है। अब गाइस फिर से दोबारा से एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को जाना है एच एस एल टूल्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है एंड सेचुरेशन को हाई कर देना है। एंड हाई करने के बाद गाइस आप लोगों को फिर से राइट क्लिक करना है एंड फिर से आप लोगों को एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके एच एस एल वाले टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है। एंड गाइस यहाँ से आप लोगों को शाइनी कलर मिल जाएगा, इसे सिलेक्ट करके आप लोगों को सेचुरेशन को हाई कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ से गाइस ब्लू कलर को सिलेक्ट करके सेचुरेशन को हाई कर दीजिए। अब गाइस आप लोगों को राइट क्लिक करना है, फिर से आप लोगों को एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर टैप करना है और यहाँ से गाइस आप लोगों को एच एस एल टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पर शाइनिंग कलर को सिलेक्ट करके ह्यू को राइट की तरफ कर देना है, ठीक है। अब गाइस सेचुरेशन को हाई कर सकते हो आप लोग एंड आप लोगों को ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके लुमिनेशन को हाई कर देना है, ठीक है। एंड जितना ही हाई करोगे उतना ही फेस गोरा हो जाएगा आपका एंड यहाँ से मैं सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग फोटो एडिटिंग हो चुका है एंड यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर दूंगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कैसे आप लोग फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के मदद से ब्लू कलर एडिटिंग कर पाओगे। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।